हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। तो आज हम लोग इस क्लास में टिकट चेकिंग के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिकट चेकिंग, दूसरा है फंक्शंस ऑफ टिकट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है रीजन फॉर टिकट लिस्ट रेफर, चौथा है रीजन फॉर कैरिंग ओरिजिनल आईडी कार्ड। इस चार टॉपिकों पर, चार पॉइंट पर जो है हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। इससे भी क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, और ये आपको बेनिफिशियल है आपके ट्रेनिंग पर्पज़ से भी। जब आप ट्रेनिंग जाइएगा वहाँ भी ये फायदा करेगा। तो ये क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिकट चेकिंग। टिकट चेकिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो सबसे पहले ये टिकट चेकिंग का पहला ऑब्जेक्टिव्स है कि इंश्योर करना कि पैसेंजर्स के पास जो है, यात्री के पास जो है, ट्रेवल अथॉरिटी टिकट या पास है या नहीं। मतलब उनके पास एक ट्रेवल करने का ऑथोरिटी टिकट या पास है या नहीं, ठीक है। पहला है ये इंश्योर करना, पता करना। दूसरा, ये जो टिकट जो है उनके पास, वह रूल के अनुसार है कि नहीं है, नियम के अनुसार है कि नहीं है, नियम के अनुसार इशू किया गया है कि नहीं है। तीसरा है कि वह जो टिकट या पास उस पैसेंजर के पास है, वह अकाउंटेड है कि या नहीं है। अकाउंटेड कहने का मतलब है कि वो सही से सिस्टम रीड किया है कि नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिकट चेकिंग क्या हुआ, इसमें तीन पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला कि पहले ये इंश्योर करना, पता करना कि यात्री के पास, पैसेंजर के पास टिकट या पास है या नहीं। मतलब कहने का मतलब उनके पास ट्रेवल अथॉरिटी है या नहीं। दूसरा, वो जो टिकट या पास है बाई रूल इशू हुआ है कि या नहीं। तीसरा, ये करना कि वो जो टिकट या पास है वो अकाउंटेड है या नहीं। अब ये देखते हैं फंक्शंस ऑफ टिकट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शन ऑफ टिकट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट कहता है कि ये पता करना कि जितने भी पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल करने वाले हैं, उनके पास प्रॉपर ट्रैवल अथॉरिटी होना चाहिए। फंक्शन क्या है, पहला पॉइंट कहता है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, उनके पास ट्रैवल जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ट्रैवल अथॉरिटी उनके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अनुसार उनको सीट या बर्थ मिला हुआ है या नहीं है, ठीक है ना। मतलब जैसा आपके टिकट पर सीट है, बर्थ है, उसके अनुसार वो बैठे हैं या नहीं है। तीसरा है कि पैसेंजर की सेफ्टी, सुरक्षा और कम्फर्टनेस का जो है ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा है कि जितने भी विदाउट टिकट ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स हैं या जो इरेगुलर पैसेंजर जो ट्रैवल करते हैं, उनको जो है रेलवे एक्ट द्वारा जो है उनको क्या करना है, पेनलाइज करना है। सबसे मेन जो इसका फंक्शन कहें तो ये है कि जो भी विदाउट टिकट है या जो भी इरेगुलर नेचर उनका ट्रैवल करने का, उनको जो है रेलवे एक्ट के द्वारा जो है पेनल्टी देना है, फाइन देना है, लेना है, ठीक है ना। अगला है कि अगर देखा जाए तो टिकट ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना तीन फोल्ड चेक हैं। पहला क्या है कि जब वो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इंट्री गेट पे चेक कीजिए। उसी पैसेंजर को जो है जब वो ट्रेन में चढ़ेगा तो ट्रेन में टीटी द्वारा जो है चेक किया जाएगा। जब वो पैसेंजर अगर स्टेशन उतरेगा, डेस्टिनेशन स्टेशन उतरेगा, तो वहाँ पर एग्जिट गेट पर भी चेक किया जाएगा और टिकट ले लिया जाएगा, ठीक है। ये फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये रीजन फॉर टिकटलेस ट्रेवल, क्या कारण है भाई कि पैसेंजर जो है बिना टिकट का यात्रा कर रहा है? तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, आइए उस कारण को देखते हैं। पहला है पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। पहला पॉइंट क्या है, गरीबी और अशिक्षा। गरीबी है, पैसा नहीं है, इसलिए वो टिकट नहीं ले पा रहा है। दूसरा है अशिक्षा है, उसके पास वो ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए वो नहीं ले पा रहा है। दूसरा पॉइंट है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द पैसेंजर, यात्रियों को जो है गलत सूचनाएँ हैं, गलत जानकारियां हैं, ठीक है ना। तीसरा है बुकिंग विंडो का समय पर नहीं खुलना, टिकट काउंटर का समय पर नहीं खुलना। चौथा पॉइंट है यात्री का समय पर नहीं पहुंचना, ठीक है ना। इसी लास्ट टाइम में आप क्या कीजिएगा भाई, समय पर नहीं है, लास्ट जल्दी वो ट्रेन आ रही है, अब क्या कीजिएगा, टिकट बिना टिकट का भी यात्रा कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट है बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि वो ऐसे कि पैसेंजर के लिए जो है लास्ट डेस्टिनेशन जिसको पैसेंजर को जहाँ तक जाना है वहाँ तक टिकट ही इशू नहीं होता है। अगला पॉइंट है इनसफिशियंट स्टाफ का होना, चाहे वो स्टेशन पे हो या ट्रेन में हो,
ठीक है ना। अगर स्टेशन पे ही स्टाफ कम है या ट्रेन में स्टाफ कम है तो सही से चेक नहीं हो पाएगा, सही से टिकट इशू नहीं हो पाता है या टिकट उतना नहीं इशू हो पाएगा, नतीजा क्या होगा, टिकट लॉस ट्रेवल होगा। अगला है मिस यूज ऑफ पावर बाई इन्फ्लुएंस पर्सनस। जैसे होता क्या है कि आपके ही बहुत सारे जान पहचाने सर्किल के लोग हैं, ये हमारे अपने हैं, इनको छोड़ दीजिए, है ना, इनको टिकट दे दीजिए, तो इस तरह के भी चलते हैं, ठीक है ना। अगला है लैक ऑफ सिक्योरिटी बाई टू द टिकट चेकिंग स्टाफ। टिकट चेकिंग स्टाफ जो होते हैं उनके उनके सेफ्टी के लिए सुरक्षा का भी कमी है भाई, इसलिए वो लोग भी बहुत सारे इग्नोर करते रहते हैं। अगला है इग्नोरेंस ऑफ रूल, जो रूल और रेगुलेशन जो रेलवे द्वारा बनाए गए हैं उसका सही से पालन नहीं होना, ये सब कुछ कारण है टिकटलेस ट्रेवल के। पहला पॉइंट क्या है, पॉवर्टी या इलिटरेसी, गरीबी और अशिक्षा। दूसरा पॉइंट है यात्री को सही सूचनाएं नहीं पता होना, जानकारियां नहीं होना। तीसरा पॉइंट है बुकिंग काउंटर का समय पर नहीं खुलना। चौथा पॉइंट है यात्री का सही समय पर टाइम पर नहीं पहुंचना काउंटर पर। पांचवा पॉइंट है कि उनके जो गंतव्य पैसेंजर का जो गंतव्य स्थान है वहां तक टिकट का जारी नहीं होना। छठा पॉइंट है स्टाफ का चाहे स्टेशन हो या ट्रेन हो अपर्याप्त मात्रा होना। सातवां पॉइंट है स्टेशन पर जो फेंसिंग है घेरा है उसका अभाव है, कमी है। आठवां पॉइंट है मिसयूज ऑफ पावर बाई इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है। नौवां पॉइंट है टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए सुरक्षा का भी कमी है भाई। दसवां पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ रूल्स है। तो ये सब कुछ कारण है टिकटलेस ट्रेवल के, ठीक है। अब ये देखते हैं कि रीजन फॉर कैरिंग ओरिजिनल आईडी कार्ड, हम लोग को ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके क्यों यात्रा करनी चाहिए, क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आइए कुछ रीजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला थी है रीजन है टू रिड्यूस द मिसयूज ऑफ रिजर्व टिकटिंग सिस्टम बाई मिडिलमैन। मिडिलमैन जो बिचौली जो लोग हैं जो टिकट का ब्लैकिंग करते हैं, ब्लैक मार्केट चलाते हैं, उनके जो काम है उसको कम करना, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड लोग जो होते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं मिडिलमैन जो टिकट कहीं का खरीद किसी से बेच देते हैं। तो अगर किसी के नाम का टिकट है किसी को बेच दिए, तो अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है तब टैली आपका चेक किया जाएगा, टिकट मिलाया जाएगा, आप वैलिड या जुनून पैसेंजर हैं या नहीं। दूसरा है कि क्या होता है टू प्रिवेंट द बुकिंग ऑफ टिकट्स इन फिक्टिशियस नेम बाय द बुकिंग एजेंट, ट्रेवल एजेंट। बहुत सारे जो एजेंट होते हैं किसी के नाम पर क्या कर दिए, टिकट बुक कर देते, किसी को टिकट दे देते हैं, ठीक है ना। तो वैसे सिस्टम को भी रोकने के लिए जो है आईडी कार्ड होना जरूरी है। तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ टिकट पनिशेबल ऑफेंस है, तो टिकट का ट्रांसफ़र रोकने के लिए भी जो है आईडी कार्ड जरूरी है। जितने भी कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके एक्टिविटी को रोकने के लिए भी जो है ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। सबसे मेजर जो अगर कारण कहें, अगर कोई आपके जर्नी के दौरान कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो आईडी कार्ड ही जो है ना आपका जो है पहचान है, ठीक है। तो ट्रेन एक्सीडेंट होगा, कोई एक्सीडेंट घटना घटता है तो उसके लिए भी जो है आपके आईडी कार्ड रहेगा तो आपको पहचाना जा सकता है, ठीक है ना। और इस तरह की सुविधाएं देने से क्या होगा कि जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे ना कि चलिए भाई यहाँ पे सेफ्टी है, सुरक्षा है, सब चीज़ प्रॉपर वे में जांच पड़ताल किया जाता है, ठीक है। तो ये सब कारण है ताकि जो हमें ओरिजिनल आईडी लेके ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। तो आज ये क्लास में हम लोग चार पॉइंट को देखे हैं। पहला पॉइंट देखे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिकट चेकिंग, दूसरा पॉइंट देखे हैं फंक्शंस ऑफ टिकट चेकिंग, और तीसरा पॉइंट देखें रीजन फॉर टिकट चेकिंग ट्रैवल, चौथा पॉइंट देखें रीजन फॉर कैरिंग ओरिजिनल आईडी कार्ड। देखिए इससे भी क्वेश्चंस वगैरह आप पूछे जा सकते हैं। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी के टाइम में जितने भी होंगे सबके सब आपको जो है ऑब्जेक्टिव मोड के क्वेश्चंस होंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपका प्रत्येक लाइन पे बनाया जा सकता है, प्रत्येक लाइन आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसीलिए हर पॉइंट को केयरफुली पढ़िए, नोट्स जरूर पढ़िए, ठीक है ना। उसको जितना से ज़्यादा पढ़िएगा आप उतना ही फ़ायदा करेगा। इंग्लिश ग्रामर पर भी फोकस रखिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।